दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। नानपुर के लाल ने किया कमाल। जी हां, एमएमए इंडिया द्वारा आयोजित 52 केजी फाइट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर आफ्ताब ने नानपुर सहित सीतामढ़ी और बिहार का भी नाम रोशन किया है। इस गोल्ड मेडल को जीतने के बाद आगामी फरवरी 2023 में सर्बिया में आयोजित होने वाले एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का रास्ता भी साफ हो गया है। बताते चले कि गरीब माँ बाप का बेटा होने के बावजूद आफ्ताब ने अपने हौसले को मजबूत रखकर लगातार मेहनत करते हुए ये कामयाबी हासिल की है। जहां इन दिनों खेलों में खाने पीने से लेकर कोच पर भी बहुत ज्यादा खर्च आता है, लेकिन फिर भी आफ्ताब दिल्ली में मजदूरी करके अपनी जिद को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। अब तक आफ्ताब दर्जनों कांस्य पदक जीत चुका है। उसने ये सोच लिया था कि जब तक उसे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा वह चैन से नहीं बैठेगा। आखिरकार उसने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर ही लिया। फेडरेशन एमएमए इंडिया द्वारा आयोजित 52 केजी वेट कैटेगरी में 3 फाइट हुई, जिसमें मोहम्मद आफ्ताब ने जीत हासिल कर गोल्ड मेडल लिया। मोहम्मद आफ्ताब दिल्ली टीम से खेलकर यह कामयाबी हासिल किया है। आफ्ताब ने बताया कि फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले एशियन गेम में जाने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन उसके पास वहां पहुंचने के पैसे नहीं है। चुनौती यह है कि सर्बिया के गेम में हिस्सा लेने के लिए कुल खर्च तकरीबन 2 लाख रुपए आएगा। गरीबी का दंश झेल रहे आफ्ताब को हर हाल में एक ऐसे नेक दिल स्पॉन्सर की जरूरत है जो 2 लाख रुपए उसे दे सके ताकि वो एशियन गेम में भाग ले सके। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। All the finals go to the finals. Kindly get ready. We are going to start in another 10 minutes. इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान। सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पूर्वी बाजार। प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान। एक बार अवश्य पधारें।